एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है गार्डन आइडियाज़ का। जो मैंने एक वीडियो डाला था उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि उन्हें जो गार्डन आइडियाज़ में मेरा होम टूर मैंने दिया था या मैंने जो गार्डन का टूर दिया था उसमें लोगों को मेरा गार्डन डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लगा था। जो जो भी मैंने आइटम यूज़ किए थे और जैसे भी मैंने यूज़ किए थे, सोचा मैं नेक्स्ट वीडियो भी गार्डन डेकोरेशन और गार्डन आइडिया से रिलेटेड ही डालूंगी। सो इसके लिए फर्स्ट मैंने अभी कुछ शॉपिंग करके रखी हुई है जो मैंने गार्डन के लिए ली है, प्लस अपने होम के लिए ली है, बिकॉज अभी फेस्टिवल आने वाले हैं। सो गार्डन को थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है और होम को भी, तो इसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ मैंने क्या लिया हुआ है। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो है गार्डन डेकोरेशंस पार्ट टू में, उसमें मैं आपको सिर्फ दिखाने वाली हूँ कि मैंने जो भी परचेस किया वो मैं गार्डन में कहाँ लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, वो कैसा दिख रहा है, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जल्दी से। फर्स्ट मैंने एक ये लिया हुआ है, ये प्लांटर मैंने अपने इंडोर के लिए लिया हुआ है, सेंटर टेबल पर रखने के लिए, मनी प्लांट और सकुलेंट्स काइंड ऑफ प्लांट्स के लिए मैंने ये लिया हुआ है, ये ऑनलाइन लिया हुआ है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपने काफ़ी बार मेरे गार्डन में देखे हुए थे, अभी बारिश में काफ़ी कुछ ख़राब हो चुका था तो मैंने ये अभी न्यू लिए हैं, तो ये भी हम गार्डन में कहीं यूज़ करने वाले हैं, ये भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। ये ऑफलाइन ही लिया है, यूजुअली हमें ईजिली कहीं भी मिल जाते हैं। ये कुछ मैंने आप सकुलेंट्स हैं, जैसे एक ये मैंने लिया हुआ है स्टैंड, थ्री प्लांट्स इसमें रख सकते हैं। बेसिकली मैंने इंडोर के लिए लिया हुआ है, मेरा इंडोर एरिया बहुत ही कम है जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती हो, ब्राइट लाइट। सो एक ही स्पॉट है जहाँ पे इंडोर में लाइट आती है, बट मेरे पास वहाँ कुछ रखने के लिए नहीं था, सो मैंने उसके लिए लिया। उस पर मैं कुछ इंडोर प्लांट्स रखने वाली हूँ, सकुलेंट्स काइंड ऑफ प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स छोटे छोटे से पॉट में, तो वो भी मैं आपको जल्दी आपको उसको देखने मिलेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड कुछ मैंने ये जूट के प्लांटर्स भी लिए हुए हैं, जूट बैग काइंड ऑफ, तो इसमें भी ये मैंने बेसिकली अपने रबर प्लांट को समटाइम इंडोर रखना रहता है कभी, तो उसके लिए मैंने लिया है अपने रबर प्लांट और भी कोई प्लांट्स जो आप चाहें इसमें रख सकते हैं, तो ये भी मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है। इसके साथ ये सूट के पैक में है, ये इसके साथ एक छोटा सा ये भी आया हुआ है प्लांट है, तो ये भी इंडोर मनी प्लांट या कोई भी आप प्लांट इसके अंदर रख के और आप इसको रख सकते हैं। तो ये मैंने दो जूट के लिए हुए हैं, ऑनलाइन ही लिए हैं ये भी। एंड अनदर जो है अभी मैंने लिया हुआ है वो है ये वुडन प्लेट्स, काफ़ी लोग अभी ये यूज़ कर रहे हैं सेंटर टेबल को डेकोरेशन में, प्लस गार्डनिंग के लिए भी कोई वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए भी बेस के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये अभी ऑनलाइन लिया हुआ है, तो ये इससे मैं अपनी सेंटर टेबल को डेकोरेट करूँगी। ये भी वीडियोस में आपको गार्डन डेकोरेशन का जो वीडियो रहेगा नेक्स्ट, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो भी देख पाएँ और फिर आपको ये उसमें देखने मिलेगा। सो नेक्स्ट है ये वाला, ये सेंटर टेबल के लिए एक पीस है जो फेस्टिवल लुक में थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिगजैग और मतलब थोड़ा सा चमक धमक वाला अच्छा लगता है डेकोरेशन करने के लिए। मैंने ऑनलाइन ही लिया है और एक था मेरे पास बट मुझे वो बहुत अच्छा लगा तो और मेरे दूसरी टेबल के लिए मैंने एक और लिया हुआ है, तो ये भी हम आपको बताऊंगी जब मैं अपना होम टूर करूंगी या होम में डेकोरेट करूंगी, तो उसका वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपको ये यूज करके दिखाऊंगी मैं सेंटर टेबल में। एंड द अनदर वन इज दिस बर्ड हाउस, मेरा गार्डन में एक भी बर्ड हाउस नहीं था, बर्ड्स मेरे गार्डन में बहुत सारे आते हैं बट मैंने अभी तक कोई भी बर्ड हाउस वहाँ नहीं लगाया हुआ था, सो मैंने सोचा मैं एक ले लेती हूँ, पर ये मैंने काफ़ी रॉ लिया हुआ है। इस टाइप के जो भी डेकोरेटेड टाइप ये बर्ड हाउस थे वो काफ़ी थोड़े कॉस्टली थे और ये थोड़ा सा मुझे चीप लगा, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ, फिर मैं इसको खुद ही डेकोरेट करूँगी अपने स्टाइल में, कुछ हट काइंड्स ऑफ इसमें मैं टच देके मैं इसको करूँगी, तो वो भी मैं वीडियोस में आपको बताऊँगी और मैंने कैसे किया और कहाँ इसको लगाया। नेक्स्ट, और फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ सेंटर टेबल के लिए कैंडल्स और कैंडल्स के लिए ये कैंडल्स होल्डर कुछ रहते हैं, तो ये मैंने लिया हुआ अपने सेंटर टेबल के लिए जो मैं यूज़ करने वाली हूँ फेस्टिवल टाइम में लाइक दिस। तो ये मैंने ऐसे फोर का पीसेस लिया हुआ है
ऐसे फोर स्मॉल कैंडल होल्डर फॉर सेंटर टेबल. सो ओवर इसके अलावा मैंने और जो भी लिए हुए हैं गार्डन से, कुछ तो मैंने न्यू लिए हुए हैं, कुछ मुझे मैंने अरेंज किए हैं फ्रॉम समवेयर, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. बट वो मैं आपको मेरे गार्डन में चल के ही बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है और कहाँ कैसे हम गार्डन में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. सो चलते हैं. और आज का वीडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट आने वाला वीडियो भी देख पाए. इस वीडियो को भी अपने कमेंट्स दीजिए, आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड द नेक्स्ट इज दिस, ये भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करने वाली हूँ मेरे गार्डन में एज अ प्लांटर स्टैंड. ये मेरी टीवी, ओल्ड टीवी के लिए का स्टैंड है, जिसको अब मैं अपने गार्डन में यूज़ करने वाली हूँ प्लांट रखने के लिए. नेक्स्ट इज ये स्टैंड, जो कि प्लांट्स के लिए है. और इसके ऑलरेडी मेरे पास प्लांटर भी रेडी है, जिसमें प्लांट भी लगे हुए हैं. जस्ट मुझे ये स्टैंड लगाना है अभी, तो ये भी देखते हैं इसको कहाँ लगाते हैं. तो ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है. सो ये एक सन है, ये भी मैंने ना ऑनलाइन लिया ना ऑफलाइन. एंड ये भी मैंने अरेंज किया हुआ है और अपने गार्डन के लिए, तो ये भी मुझे डिसाइड करना है कि ये मेरे गार्डन में कहाँ सूट होगा और इसे मैं कहाँ लगाऊँगी. सो ये भी मेरे गार्डन के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है. और कहाँ इसको लगाने वाली हूँ ये मुझे अभी डिसाइड करना है. इंडोर प्लांट के पास लगाऊंगी या आउटडोर. ये पीस मैंने ऑफलाइन ही लिया हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है. तो ये आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि मैं इसको कहाँ पे लगाने वाली हूँ. तो नेक्स्ट ये एक वॉल आर्ट पीस है. ये एक्चुअली मैंने अभी न्यू परचेज़ नहीं किया है, बट ये एक ओल्ड है जो मुझे कहीं से अरेंज हो गया था. तो इसको मैं अपने गार्डन में लगाने वाली हूँ. कहाँ लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा देखने.